हेलो एंड वेलकम टू माय ब्लॉग गाइज। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। शांति स्टूप आए थे, बंद है पूरा शांति स्टूप। देख रहे हैं यहाँ पे पीस साइलेंस, पूरा साइलेंस है। एक भी बंदे नहीं है। संडे में दो साल पहले इतना लोग थे यहाँ पे, मतलब वेल क्राउडेड रहता था ये जगह शांति स्टूप। जो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैकिंग रहता है, जिसको ट्रैक करना है ट्रैक कर सकते हैं, और जिसको मतलब रोपवे से जाना रहता है वो रोपवे से भी जा सकते हैं। क्या करें, बंद है, अंदर कोई अलाउ ही नहीं कर रहा है जाने के लिए। वो भी भाई अपना ड्यूटी कर रहा है, तो उनको प्रेशर करना कोई चांस ही नहीं बनता है। और क्या है, यहीं पर 2-4 फोटो क्लिक कर रहे हैं लोग, और देखते हैं लोग कहाँ पर जा सकते हैं लोग हम लोग। और इधर ही हम टहल रहे हैं। फ़ोटो मेरे को उतना क्लिक करवाने का कोई शौक़ नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, उतना एक्टिव मैं रहता भी नहीं होंगे, इसीलिए बस 2-4 फ़ोटो क्लिक करवा लेता हूँ, कुछ थंबनेल यूज कर लेता हूँ, कुछ एज अ मेमोरी वही है। यहाँ का लोकेशन है, मतलब काफ़ी स्ट्रेट लोकेशन है, काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है। बाइक तो एक दिखा, यही सामने स्तूपा है, शांति स्तूपा, जो ऊपर 7 किलोमीटर का ट्रैक है। पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है बिहार टूरिज्म, क्या है, मतलब दार्जिलिंग चाहे मनाली वगैरह इतना बड़ा टूरिस्टिक प्लेस है, वो सब चालू हो गई, यहाँ पे चालू ही नहीं है, हालांकि वो वेल क्राउडेड है। यही आपको बताना था, और क्या। चलिए अब चलते हैं दूसरे लोकेशन पर, फिर दूसरे लोकेशन पर पहुँच के आपसे बातें करते हैं। और क्या, यहाँ पे दुकान भी कुछ खुला वुला नहीं है। अगर आप आ रहे हैं तो भाई मालूम कर ले कौन कौन जगह, मतलब अभी आइए ही नहीं, अभी खुलने में ही लगभग 2-3 महीना लग जाएगा। अक्टूबर नवंबर के बाद ही मेरे ख्याल से चालू होगा, तो आपको आना ही बेकार है, आइएगा, पैसा वेस्ट है, हम लोग का तो वेस्ट चला गया। तो आप अगर देख रहे हो वीडियो, अगर राजगीर आने का प्लान कर रहे हो तो नहीं आना। चलिए अब दूसरे लोकेशन पे चलते हैं, फिर वहाँ पे पहुँच के बात करते हैं आप लोगों से। ये इधर का इस साइड का लोकेशन है, यहाँ पे लगभग यही पार्किंग एरिया था, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कितना किसको पे करना है। काफ़ी भरा पड़ा रहता था, अभी तो पूरा खाली है, देख सकते हो। देखिए ये पूरा बंद पड़ा हुआ है, दुकान भी नहीं खुला है, हालाँकि टूरिस्ट आएगा ही तभी ना खुलेगा कोई भी, मतलब सबका बुरा हाल है ये, बंद है। सुबह जब भी हम लोग आ चुके हैं लोग सोन भंडार के पास। अरे भाई बंदर इतना आया है, बता नहीं सकते हैं, सामान इतना इधर उधर कर रहा है। रुकिए दिखाते हैं, इतना तेज़ है भाई, बता नहीं सकते हैं, बहुत तेज़ है। इसको देखिए, इसको भाई मामा है, मामा बात बार देखिए। ये सोन भंडार अंदर ही, यहाँ पर लॉक लगा हुआ है तो अंदर तो जाना अलाउ है नहीं। इधर भी अंदर है एक अखाड़ा है, तो इधर भी अलाउड नहीं है जाना, बंद है। बारिश से देखिए, आने के बाद किया जाए क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पीछे भी आए हुए लोग, ऑटो वाले लोग बोल रहे हैं ग्लास ब्रिज है, तो भाई बंद है ग्लास ब्रिज, कहाँ से चालू है, सब चीज़ बंद है। चालू रहेगा तभी ना जाओगे भाई, चालू नहीं है तो कहाँ से जाओगे। यही है, बस 2-4 फोटो क्लिक करते हैं, कुछ 2-4 व्यूज आपको दिखाते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। कोई भी टूरिस्टिक जगह पे आइएगा, अगर क्राउड ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है, थोड़ा भी क्राउड रहे तो भी मज़ा आते हैं। अब खासकर जो भी टूरिस्टिक जगह है, अगर खुला नहीं रहे तो मज़ा ही नहीं आएंगे। बाहर से देखने में क्या मज़ा है, जो अंदर जाकर फील कीजिएगा। बाहर से तो वैसे भी फ़ोटो वीडियोज़ में देखते ही रहते हैं, अब अंदर तो खुला है नहीं तो क्या कर सकते हैं। मालूम ही नहीं था यार, मालूम ही नहीं था क्या किया जाए। अब दिन बर्बाद होता, उससे अच्छा कि अच्छा सा कंज्यूम कर लिया जाता संडे को। बस यही है, आपको कुछ बताना था। शांति स्तूपा गए, बंद था, सोन भंडार आए वो भी बंद था, और क्या। फिर देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, वीडियो तो अब काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसी को यहीं पर एंड करना पड़ेगा। यहाँ का लोकेशन आप देख लो, गाइज इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नए व्लॉग में, तो थोड़ा अच्छा सा कंज्यूम कर लो। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड लव, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय ऑल ऑफ यू।